नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर आज की टॉप 10 खबरों के लिए। मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जैसलमेर और मध्य प्रदेश के नीमच का दौरा करेंगे। जैसलमेर में वो परिवर्तन संकल्प यात्रा और नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। बारामूला से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में देर रात 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। बिल्डिंग के मलबे से करीब 12 लोगों को निकाला गया है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारामूला पुलिस ने 3 सितंबर को लश्कर के 2 OGW को गिरफ्तार किए हैं। उनके पास से मैगजीन के साथ एक चीनी पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। सीनियर वकील हरीश सालवे 68 की उम्र में तीसरी बार दूल्हा बने हैं। उन्होंने साल 2020 में दूसरी शादी की थी। सालवे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी कमेटी के सदस्य भी हैं। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके लेकर दिल्ली मेट्रो 4 से 13 सितंबर के बीच अपने 36 स्टेशनों पर विशेष काउंटर के जरिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बिक्री करेगी। महाराष्ट्र के जालना में हुई हिंसा के बाद SP पर गाज गिरी है। SP तुषार दोषी को अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया है। उनकी जगह पर शैलेश बलकवड़े को जालना का नया SP बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने अंगद रखा है। बता दें कि इसी वजह से बुमराह एशिया कप बीच में छोड़कर भारत लौटे। भारत नेपाल मैच में भी बारिश का साया लगातार बना रहेगा और जो हालात है उसे देखकर तो लगता है कि इस मैच का नतीजा भी कुछ वैसा ही होगा जैसा भारत पाकिस्तान मैच कर रहा था। सामंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा की फिल्म खुशी ने शानदार ओपनिंग की थी। वही शनिवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई लेकिन संडे को खुशी ने अच्छा कलेक्शन किया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC News पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC News पर। नमस्कार।